गाइस हमने अपना रूम खाली कर दिया, बहुत बुरा लग रहा है। हमने इतना यहीं से स्टार्टिंग किया था, पूरा खाली हो गया सब कुछ। अब हम लोग फाइनली यहाँ से जा रहे हैं। इतने सारे कैसे ले जाऊंगी मैं तो यही सोच रही हूँ, बट कोई नहीं, सामान मेरा जा रहा है, ये लेके जा रहे हैं। ऑटो आ चुका है, दो दो ऑटो हो गए हैं। भाभी यहाँ पे हैं, भाभी चाय वगैरह पिलाई हैं। मैं भी आज आदमपुर से जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2015 में आया था, 7 साल रहा यहाँ पे मैं, और अभी बहुत ही बुरा लग रहा है जाते वक्त। मैं 2020 में इनके साथ आई थी और मेरे लगभग 2 साल होने वाले हैं, और इतनी लगाव हो गई है यहाँ की चीज़ों से, बहुत ही बुरा लग रहा है। फाइनली अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकती हूँ, जॉब ही ऐसी है, ट्रांसफरेबल, इधर से उधर जाना ही पड़ता है, बट कोई नहीं, बट बहुत बुरा लग रहा है। अभी हम जलंधर सिटी स्टेशन आ गए और लगेज हमारा पूरा आप लोग देख सकते हैं लोड हो गया है ट्रॉली पे और जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। उधर उस साइड में आप लोग देख सकते हो ट्रॉली में, और अभी ये ट्रेन चली जाएगी, देन वो भैया लोग इधर क्रॉस कराएंगे। बहुत सारा लगेज हो रखा है। आओ तो मैं जब यहाँ आई थी 4 से 5 लगेज लेकर आई थी, और इतने 2 साल में इतने सारे लगेज हो गए, मुझे पता ही नहीं चला इतने सारा सामान हो गया मेरे पास। मैंने अभी बहुत सारा सामान तो यहाँ से कहीं और भेज दिया है, बट फिर भी इतना सामान है, मुझे आइडिया नहीं था इतना सामान हो जाएगा। मैंने बहुत सारा सामान फेंक भी दिया। कोई नहीं, अभी मेरी ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी। हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, मिस्टर खड़े हैं अपने सामान को देख रहे हैं, टेंशन में है कैसे जाएगा क्या होगा। जब ट्रेन में सामान रख जाएगा तो टेंशन हल्का होगा, अभी तो मुझे भी टेंशन हो रही है। सारा सामान आ चुका है, स्टेशन पर खड़ा होकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी का सारा लगेज इधर है। गाइस हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला है, और बहुत टेंशन हो रही है, सामान भी काफ़ी हो रखा है, और पंजाब में इतने दिन तक थे तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, हम लोग कभी भी घूमने निकल जाते थे, कुछ भी करते थे, बट ऐसा लाइफ है, चलता रहता, थोड़ा एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है इन चीज़ों को, बट धीरे धीरे ये भी सीख जाऊँगी एक्सेप्ट करना, बट बहुत बुरा लग रहा है। सच में पंजाब में बहुत अच्छा लगता था, मतलब मुझे यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। गाइस अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, हमारा सामान भी सेट हो गया है, बहुत टेंशन थी सामान की, मिस्टर इधर बैठे हुए हैं और फाइनली बैठ गए हैं, जब घर पहुंच जाएंगे माइंड रिलैक्स होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा बिजी बिजी सब कुछ था, अब ये मोबाइल चलाने में व्यस्त हो गए हैं, इनको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 7 ईयर्स इनके यहाँ पे बीते हैं, 7 साल में तो कितना अटैचमेंट हो जाता है लोगों से। खैर ये लाइफ है, ऐसा तो चलता ही रहता है, बट तो मुझे इतने कम टाइम में इतना अटैचमेंट हो गया, तो इनका क्या होगा, ये भी सैड है बहुत। हमारा लंच आ चुका है,
अभी इसको ये खोलने जा रही हैं। देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बाकी अब खाने में देखते हैं कैसा होगा। सूखी सब्जी, मटर पनीर है, दाल है, चावल है, ट्रेन का खाना कैसा ही होता है, पिकल है, पराठा। अब ये खा के बताएंगे कैसा है। ठीक ठाक है, खाने लायक है, सब्जी अच्छी सूखी वाली अच्छी लग रही है देखने में, पानी भी टेस्टी है। चलिए गुड, तो हम लोग खाना खाते हैं। मास्टर खाने में लगे हुए हैं, खाना बहुत टेस्टी है ना। मुझे ट्रेन का खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट ये वाला टेस्ट अच्छा लग रहा है इसका। मैं तो खा चुकी हूँ और ये खा रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है और अभी हम लोग शाम ही है, 5 बज गए। सब्जी मंडी है ना। हाँ सब्जी मंडी। मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और मिस्टर ब्रश कर रहे हैं। मैंने ब्रश कर लिया है, अभी भी ब्रश रेस्ट करके फ्रेश होके भी चाय वगैरह हम लोग पियेंगे, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब घर के पास पहुंचने वाले रहो तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। देख सकते हो आप लोग अभी बिल्कुल ऊस पड़ रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। मॉर्निंग इवनिंग में ठंड रहती है, ठंड पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी। सो गाइस अभी मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, फ्रेश वगैरह होके कॉम वगैरह करके मैं बैठी हूँ। मैं सोची आप लोग थोड़ी बातें कर लूँ। आई थिंक 1.5 घंटे में मैं गोरखपुर पहुँच जाऊँगी और अच्छा लग रहा है घर जाने में, सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी लग रहा है। बट वहाँ से जब मैं आ रही थी मुझे बहुत बुरा लग रहा था, सारी चीज़ें मुझे पीछे छूट गई, पता ही नहीं चला। हमेशा ये रहता था कि घर जाऊँगी फिर आऊँगी, और अभी इस बार का ये है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पीछे छूटते जा रही हैं चीज़ें वो पीछे ही छूट गई। पता नहीं कभी वहाँ जाना हो पाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि अब होगा, बट कोई नहीं, ये भी लाइफ का फेज है, सारे फेज को फील करना चाहिए। बट मेरे लिए फेज बहुत ही ख़राब है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी मैम रेडी हो गए हैं और फ्रेश वगैरह होके एकदम आराम से बैठे हुए हैं और इधर बाहर का नज़ारा ले रहे हैं। ट्रेन आ गई, बाहर पूरी ग्रीनरी हो रखी है, मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। अभी मॉर्निंग में फॉगी फॉगी फॉग है, ये देखिए बहुत ही शानदार लग रहा है। अपने एरिया में एंटर करो ना तो एक अलग सी फीलिंग आती है। सही बात है, कितना भी कहीं भी रहो आप, लेकिन जो अपना जहाँ बचपन, अपना घर हमेशा अपना घर ही होता है। घर कैसा भी हो सबसे प्यारा होता है, ये तो सच है। मैं सब कुछ बहुत मिस कर रही हूँ इस टाइम, मम्मी पापा, मतलब लॉज फैमिली एंड मेरी मतलब भाई की फैमिली, दोनों फैमिली को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। गाइस अभी हम लोग गोरखपुर पहुँचने वाले हैं और खलीलाबाद क्रॉस कर चुके हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सामान सेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये सारे सामान को वन बाय वन उतार रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी लगेज है। फाइनली हम लोग छोड़ कर आ रहे हैं, लगेज भी काफ़ी हो गया है। We'll be right back.
अभी हम लोग गोरखपुर में आ चुके हैं गाइस, और बाहर बहुत बढ़िया नज़ारे लग रहा है देखकर बाहर, क्योंकि अपना शहर है। एक टाइम था यहाँ पे इतनी गंदगी हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इतना काम हुआ है, 10 साल का नहीं, पिछले 8 सालों में इतना काम हुआ है ना कि अब अच्छा लगता है देख के। रोड पे लाइटिंग और डिवाइडर सब कुछ बन गया। आ चुका है, तो ये धीरे धीरे सामान गेट की तरफ ले जा रहे हैं, वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। गाइज हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए हैं और हमारा लगेज उतर गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा लगेज है, जैसा मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। फाइनली गोरखपुर आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, और पापा आने वाले हैं, इन्होंने पापा को कॉल कर दिया है।